बांग्लादेश की शर्मनाक हार पर पूरे श्रीलंका में जश्न का माहौल। रोहित को आंख दिखाना सैंतों को पड़ा महंगा। पूरे पाकिस्तान में छाया मातम। हमेशा भारत की बर्बादी पर एक दूसरे को मिठाई बांटने वाले बांग्लादेशियों को मिल गई बहुत बड़ी सजा। बांग्लादेश का टूट गया घमंड। रोहित शर्मा ने जो कहा था वह करके दिखाया। बांग्लादेशियों से नागिन डांस करवाया। पाकिस्तानियों को भी सबक सिखाया। महामुकाबले से एक दिन पहले कैमरे के सामने आकर रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो जो कहा था उसको क्रिकेट के मैदान पर करके दिखा दिए हैं। और कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले और टीम इंडिया को हिंदुस्तान की धरती पर धूल चटाने वाले बांग्लादेशी कप्तान सैंटो अब पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। जो सैंटो भारत की धरती पर कदम रखते ही टीम इंडिया को हराने का चैलेंज दे रहे थे, अब वही नजमुल हुसैन सैंटो का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। टीम इंडिया के बब्बर शेरों ने जिस तरह से चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेशियों को चारों खाने चित करते हुए बांग्लादेशियों को पूरी तरह से पानी पिलाते हुए 280 रनों से बुरी तरह से धूल चटा दिए हैं, उसके बाद बांग्लादेश के हर एक खिलाड़ी का घमंड पूरी तरह से टूट कर चकनाचूर हो गया है। यही बांग्लादेशी खिलाड़ी अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की धरती पर जाकर पाकिस्तानियों को धूल चटाने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद यह बांग्लादेशी खिलाड़ी यह सपना देख रहे थे कि जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानियों को बुरी तरह से धूल चटा दिए थे, ठीक उसी अंदाज में यह हिंदुस्तान की धरती पर टीम इंडिया जैसी बड़ी टीम को भी धूल चटाने में कामयाब हो जाएंगे। यहां तक कि पूरा पाकिस्तानी आवाम भी भारत की बर्बादी के लिए और बांग्लादेश की जीत के लिए दुआएं कर रहा था, मगर रोहित शर्मा ने पाकिस्तानियों को भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानियों का भी सर पूरी तरह से नीचे झुका दिए। जिस तरह से रोहित शर्मा के बब्बर शेरों ने चेन्नई टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेशियों को पानी तक नहीं पीने का मौका दिए, तो उसको देखने के बाद तो यही पता चल रहा है कि कानपुर टेस्ट मुकाबले में भी रोहित शर्मा कुछ इसी अंदाज में बांग्लादेशियों को कुचलने का काम करेंगे। क्योंकि यह बांग्लादेशी खिलाड़ी कैमरे के सामने आकर भारत के खिलाफ अक्सर जहरीला बयान देते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि जब जब भारतीय टीम को किसी भी दूसरे टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ता है तो पूरे बांग्लादेश में जश्न का माहौल देखा जाता है। पता नहीं क्यों भारत की बर्बादी पर यह बांग्लादेशी अवाम इतना ज्यादा खुश क्यों होता है। आप लोगों को तो याद ही होगा 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पूरा बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तानी अवाम ऑस्ट्रेलिया को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा था और भारतीय टीम को फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पूरा का पूरा बांग्लादेशी अवाम पूरे सोशल मीडिया पर आकर हिंदुस्तान टीम का जमकर मजाक भी उड़ाया था। यहाँ तक कि विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा का भी काफी ज्यादा अपमान किया गया था बांग्लादेशियों द्वारा। और अब रोहित शर्मा के सभी बब्बर शेरों ने मिलकर बांग्लादेशियों का घमंड पूरी तरह से मिट्टी में मिलाते हुए पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेशियों को 280 रनों से बुरी तरह से शर्मनाक तरीके से धूल चटा दी है, जिसके बाद पूरा का पूरा बांग्लादेशी अवाम सरेंडर कर चुका है। हर कोई इस समय कुछ भी नहीं बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है पहले टेस्ट मुकाबले में।